यह है मेरी जापान 2.0 सीरीज़ की 7th वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या मज़े किए रोम रोम जी के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो भाई फाइनली रोम रोम जी भाई मिल गए। रोम रोम जी और क्या मजा आ रही है? बस बढ़िया। मजा आ रही है? नहीं आ रही, मुँह पूरी आ रही है। बढ़िया। तो पिछले साल भी मिले थे। हाँ, शिवेंद्र भाई भी हमारे साथ अभी। तो इस बार अभी सुबह पकड़ा इनको ओसाका के। पकड़ा सुबह पकड़ा क्या मतलब है ये? अरेस्ट कर लिया इनको। पिछली बार काबू में थोड़े कम टाइम के लिए आए थे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नाम्बा। नाम्बा मतलब कनाट प्लेस है एक तरह से ओसाका का, जहाँ पे जो भी एक्टिविटीज जितनी भी वीडियोस आएंगी सारी नाम्बा से ही आएंगी। क्यों? मोस्टली। तो अभी भाई हम पहली डेस्टिनेशन क्या है हमारी? स्टेशन। ये सही था। स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे फिर जाएंगे नाम्बा। नाम्बा में फिर हम भाई बेसबॉल खेला कभी? नहीं मैंने नहीं खेला। वो खेलेंगे। खेला आपने? हाँ। अरे बल्ला ही तो भाजना है जैसे क्रिकेट में भाजते हैं। अरे बहुत मजा आता है। अरे पर उसका तो गोल होता है ना बल्ला। तो वही तो मजा आता है। तो मजा आएगा। पहले बेसबॉल खेलेंगे तीनों, देखते हैं भाई। उसमें स्कोर वकोर भी होता है? अच्छा चलो देखते हैं भाई कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। और पूरे मजे आने वाले भाई। यहाँ से कितना दूर है अब? ट्रेन से लगेंगे 15 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट चलना पड़ेगा। अरे यार चलो फिर अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की ट्रेन में, मतलब ओसाका की और टोक्यो में कुछ डिफरेंस तो है नहीं यार? हंशिन लाइन वगैरह नहीं है ना ये? ये हंशिन लाइन हमारी इसमें जा रहे हैं। ये मेट्रो नहीं है ना ये? मतलब मेट्रो नहीं है ये। अच्छा भाई ये इतनी इनकी ट्रेन है ना, समझ नहीं सकते। जे आर अलग होती है, प्राइवेट मेट्रोज अलग है, काफी सारी लाइने हैं अलग अलग। प्राइवेट है ना हंशिन? हंशिन प्राइवेट है शायद, पता नहीं। पाँच साल हो गए यार मैंने इस चीज में कभी सोचा नहीं, गौर नहीं किया। मुझे क्या प्राइवेट है सरकारी है, मुझे क्या करना। चलने से मतलब देखो बस यहाँ की कितनी सुंदर थी, प्यारी थी हमारी हरियाणा रोडवेज की, दिल्ली रोडवेज बस देखी डीटीसी की। नहीं अब तो डीटीसी ठीक ठाक है पर इतनी साफ नहीं है। चलती है पर ये लोकल एरिया है यहाँ पे थोड़ा, मतलब ओसाका से थोड़ा दूर। ओसाका नहीं है तो ओसाका मतलब, पर थोड़ा मतलब ये वो है ना जैसे आउटर दिल्ली हो गया थोड़ा। हाँ रेसिडेंसी रोहिणी है। रोहिणी है? रोहिणी है। पंद्रह मिनट की ट्रेन राइड के बाद हम पहुंच गए थे ओसाका के नाम्बा एरिया में। और ये मेरे को दिख गया था करेंसी कन्वर्टर। ये मेरे को ज़्यादा देशों में दिखानी है, इसमें आप किसी भी करेंसी का नोट डाल के उसको किसी भी करेंसी में चेंज करवा सकते हो। मतलब मैंने थाई बाट डाल के उनको जैपनीज येन में चेंज करा लिया था। पैसे भी आप एक्सचेंज करा सकते हो मनी एक्सचेंज में। अरे 460 तो दो आएगा, इसी एरिया में खोया था। अब यहाँ पे खेलने जा रहे हैं पहले बेसबॉल, तीन चार चीजें करनी है, पहले बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। मैं आज तक नहीं खेला तो भाई मेरे लिए तो मतलब पहली बार जो चीज़ करता हूँ काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ भाई। मैंने क्रिकेट भी नहीं खेला, मतलब ऐसे नहीं खेला, मशीन के साथ नहीं खेला कभी। तो मशीन के साथ बेसबॉल खेलेंगे, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कितने की टिकट होगी एक अंदाज़ा? 5000 के आसपास मुझे लगता है। नहीं इससे तो कम होगा। 5000 तो है यार। 5000 तो बहुत ज़्यादा। 3 घंटे 3 मिनट की देखते हैं। अच्छा किसकी बात कर रहे हो? बेसबॉल। खाली बेसबॉल ही लेना है क्या? तो जाके देखते हैं। चलो ये आ गया भाई यहाँ से एग्जिट। ये ओसाका का कनाट प्लेस है। ये सारा शॉपिंग एरिया, नाइट लाइफ एरिया सारा यहीं पे है। तो आप एक दो दिन नाम्बा आराम से घूम सकते हो। और जो नाइट लाइफ है उस नाम्बा की मैंने पिछली वीडियोस में दिखाई है। एक तो भाई इनकी ये मशीनों ने खा लिया भाई, हर जगह में यही मशीन होती है। और सबसे बढ़िया एटीएम मैं रिकमेंड करूँ तो 7-Eleven वाले से निकलवा लो, सबसे बेस्ट रेट देता है। आज तक मेरे को सबसे बेस्ट उसी का लगा। कौन से फ्लोर पे जाना है? तीसरे पर।
ये रिसेप्शन है ना इसमें, तीसरे पे। ये पूरा स्पोर्ट्स का अरीना है, ये चल रहा है डार्ट्स, वहाँ चल रहा है टेबल टेनिस, उस तरफ चल रही है बॉलिंग, और हम करने आए बेसबॉल, क्योंकि और सारी चीज़ इंडिया में मिल जाएंगी बहुत आराम से, पर बेसबॉल का क्रेज़ नहीं है इंडिया में। बेसबॉल वाला मिला क्या? पक्का है यहाँ पे? पक्का है, हाँ है तो सही, पर वो सारे का पैक लेना पड़ेगा, उसमें टेबल टेनिस वगैरह ये सब भी मिल जाएगी, पर ये सब चाहिए नहीं। हाँ ट्रॉफी क्या ये? मेरे को सुनाई थे गुलाब जामुन, पता नहीं क्यों। यहाँ पे क्या कह रहे हो? कैच बॉल, बैडमिंटन, स्मैश, किक बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, हमको जाना है बैटिंग पे। क्या यहाँ पे हम आ गए बेसबॉल वाले पे? अरे भाई ये बताओ पहले क्या लिखा है ये हरे वाले? ये हिकुकुनारू थकाकुनारू, थकाकुनारू मतलब ऊपर, हिकुकुनारू नीचे। अच्छा ये लाल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है लो, अब भाई आप लोग बताना पवन ज्यादा अच्छा खेला या मैं। पवन की वीडियो भाई पवन के चैनल पे। ओ लगी बोल्ड बोल्ड आउट हो गया। नहीं भैया आई तो नहीं बोल्ड, खेल तो नहीं कर रहे ना। ना सही है, सेम रख रखी ऊपर ही है। मार मार। ये बेसबॉल खेलने में थोड़ा इजी लगता है, पर असली में खेलने जाओगे तो अगर किसी ने खेला नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो दो तीन बार ही चांस लेते रहो, यहाँ पे अनलिमिटेड चांस है, कितनी बार भी आप खेल सकते हो। तो दो तीन बार के बाद मैंने दो या तीन बॉल्स मारी थी। आ एक लगी, अब आ गया रेंज खत्म। वो ले ले ऑरेंज वाला, हल्का है वो बैट। इस बार हाँ भाई एक तो मारेंगे, पिछला राउंड तो मैं जीता हूँ 100%। हाँ बिल्कुल, हाँ हो गए, चलो चल। आउट, ओहो बहुत बढ़िया शॉट। और ये जागते डॉक्टर बेसबॉल खेलते हुए, और ये आई बॉल, और ये मारा, ये तो वो हुई डेड बॉल। अगली गेंद मशीन की तरफ से यात्री डॉक्टर को, ओ ये मारा एक और शॉट, बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हुए, ओ ये मारा आउट हो गए। तो खत्म, चार बार आउट हो गए 6 बॉलों में। अरे मैं 23 बॉलों में खेलता हूँ। अच्छा ये 80 वाली पे मैं नहीं खेलता, अभी जाएंगे 120 वाली फिर भी बैठे तब पता चलेगी। भाई के साथ बहुत बड़ी वाली हिलपिटी हो गई है, सामने से वो बोल कर रहा है, बोल आ नहीं रही है, ये सारे डर गए भाई, इतना भयंकर बाहुबली प्लेयर कहाँ से आ गया, एक भी गेंद नहीं आ रही है। ये है भाई गन शूटिंग, मैंने आज तक नहीं चलाई भाई, अब पहली बार। लो वन गेम चला रही मैं, वन गेम वन पर्सन, व्हेन अदर्स आर वेटिंग वेटिंग, यस वी आर वेटिंग भाई। ये तो तीन से मार रखे, एक ऐसे चलानी है फिर ट्रिगर दबाना। अरे तो उठा नहीं सकते क्या हाथ में? लॉन्ग है वो, टच करना होगा ना। हां झुक के मारना है क्या? ये क्या है? अरे वो तो सबसे वो है लैंडी, अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, बीच वाला नॉर्मल नहीं, हम लैंडी है भाई। Are you ready? Yes, I am ready. चलो भाई मारना है। हाँ उठा उठा के मारना होगा, टारगेट मारना।
अच्छा उठा के नहीं मारना है क्या? यार तुम मेरा पागल मत बनाओ, ऐसे रख के कौन मारता है ऐसे। अरे भाई ऐसे बंदूक थोड़ी कोई बांध के रखता है। तो वो अक्षय कुमार जो देसी बॉयज में स्कूटर लेके मॉल में घूमता है वो मैंने आज तक नहीं चलाया। सीगा सीगा। तो अब जा रहे हैं स्कूटर की तरफ। अरे ये कर लो ना रोम रोम। वीडियो कौन लेगा हमारी? एक दूसरे पे कूदेंगे। स्कूटर के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि अभी हमारे टाइम स्लॉट में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम डार्ट खेल सकते हैं तब तक। इसमें भी कर ही लेते हैं कंपटीशन भाई, अब सब कुछ चल ही रहा है तो कर ही लेते हैं। इस जगह का नाम स्पोचो है। इसमें मतलब आप सारे गेम्स आके खेल सकते हो, इंडोर आउटडोर सारे, मतलब सब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो सारी चीज़ें आके आप यहाँ पे खेल सकते हो। लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, जो आपका मन करे। पूरे दिन का पास भी बनता है और घंटे के हिसाब से पास भी बनता है। स्कोर हो गया भाई पवन का 19। 19 स्कोर सही। फोन करेगा ये तो भाई लोग झगड़ा करते हैं वैसा मिल रहा है। ये ये किक बॉक्सिंग थी। इस मतलब लगातार इसमें 5 मिनट तक आपको इसको मारना होता है और बिल्कुल हालत पतली हो जाती है। कितने भी आप बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, हालत आपकी पतली हो ही जाएगी। पर इसका एक ट्रिक है, आखिरी राउंड में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। फाइनल राउंड चल करते बराबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना और अभी ये कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना।